डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ इज विजय कुमार, PGT इंग्लिश. टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम सेकेंड. प्लीज रीड द पोएम केयरफुली एंड लिसन इट ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. द लेबनम टॉप. The Lebanon top is silent, quiet, still. Lebanon top एक पेड़ है. Top means चोटी, शिखर. उसकी जो चोटी है या उसका जो शिखर है silent है, quiet है, still है. It means in the Lebanon top there is no any type of motion or activities in the tree या inside the tree. In the afternoon yellow September sunlight. Here the poet described the afternoon of a day in September month. Sunlight a few leaves yellowing. As you know, in autumn season the all the leaves of tree turn into yellow and all its seeds fallen. और उसके जो बीज हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो पक कर के गिरने से पहले पीले हो जाते हैं. इट मीन्स इन दीज लाइन इन द पोएट हेयर ड्रा ए लवली पिक्चर ऑफ ए लेबनम ट्री एज इट अपीयर्स ऑन एन ऑटमनल आफ्टरनून. नेक्स्ट टिल द गोल्ड फिंच कम. जब तक गोल्ड फिंच वहां आती है विद ट्विच चिर्प. ट्विच का मतलब होता है झटके से, स्टॉर्क से चिर्प आवाजें आती है, ची ची की आवाजें निकालना जैसे चिड़िया निकालती है. ए सडननेस अचानक स्टार्लमेंट सनसनी एट द ब्रांच एंड. तो अचानक से आकर के और ब्रांच एंड मीन्स टहनी के आखिरी छोर पर के वो बैठ झटके से बैठती है. देन फिर स्लीक एज ए लिजार्ड. वो इतनी चमकीली, इतनी स्मूथ जैसे कि लिजार्ड एंड अलर्ट, उतनी अलर्ट होती है एकदम. और अलर्ट मीन्स सचेत, तुरंत एक्शन लेने वाली. एंड एब्रप्ट अचानक से, एब्रप्ट सी यानी कि जो चिड़िया है, जो गोल्डफिश नामक जो इसमें जो चिड़िया दिखाई गई है उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की है. जैसे कि एक छिपकली लिजार्ड जो होती है वो बड़ी अलर्ट एंड एब्रप्ट होती है, ठीक उसी प्रकार से गोल्डफिंच नामक जो स्पैरो या चिड़िया भी ठीक उसी प्रकार से एक्शन करती है. सी एंटर्स द थिकनेस. सी एंटर्स वो प्रवेश करती है उस आखिरी टहनी के आखिरी छोर से, वो प्रवेश करती है थिकनेस गहराई की ओर. इट मीन्स इनसाइड द ट्री. एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप. मशीन मीन्स इंजन. जैसे कोई भी मशीन स्टार्ट्स होती है तो उसका इंजन का रोल होता है और फिर वो आवाजें इस प्रकार से आती है जैसे कि जब तक वो चलती है वर्किंग में प्रोसेस में तो उसकी आवाजें आती है. तो इसी प्रकार से ए मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे वो थिकनेस में जाती है ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स. चिटरिंग मीन्स चींचियों की आवाजें. एंड चिटरिंग्स चींचियों की आवाजें. एंड ट्रमर्स. ट्रमर मीन्स थरथराहट, पंखों को फड़फड़ाना.
एंड थ्रिल ऑफ विंग्स एंड फ्लिटरिंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाती है। इस प्रकार के एक्शन से, इस प्रकार के एक्टिविटी से जब गोल्डफिंच वहां करती है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा जो पेड़ है, ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कांपना या है हिलना, पूरा पेड़ जो है हिलने लग जाता है एंड थ्रिल, और कांपने लग जाता है। इट मीन्स व्हेन द गोल्डफिंच एंटर्स इन साइड द ट्री या इन थिकनेस इन द इन साइड द ट्री, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। जैसे एक परिवार, एक इंजन जो है वो काम करता है, तो उसी प्रकार से गोल्डफिंच नामक जो चिड़िया है वो अपने परिवार के लिए इंजन का काम करती है, उनको ऊर्जा देती है। सी स्टोक इट्स फुल, स्टोक का मतलब पूरी, इट्स फुल पूरी तरह आवाज, वो अब जब वो आवाज करती है तो अपने पूरे स्वर में वो बोलती है, वो धीरे धीरे जो आवाज करती हुई वो बढ़ती चली जाती है लगातार इंजन की तरह। देन फ्लर्ट आउट टू द ब्रांच एंड, और फिर दोबारा से फ्लर्ट आउट टू द ब्रांच एंड, और उस टहनी के आखिरी छोर पर दोबारा से आ जाती है। शोइंग, और वहां से दिखाती है हर बैरेड बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वहां उस गहरे पेड़ से या गहरे पत्तों के बीच से वो अपना बैरेड होता है धारीदार, धारीदार चेहरा, वो आइडेंटिटी मास्क, वो उसकी एक पहचान के रूप में होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो उस पेड़ घने पेड़ के अंदर से अपने चेहरे को बार बार हमें दिखाती है या बार बार बाहर निकालती है। देन इजर, देन विद इजर डेलिकेट, फिर बड़े डेलिकेट, डेलिकेट होता है नाजुक, इजर होता है भयानक, और फिर अचानक से एक भयानक सी नाजुक सी विशेल जो सीटी चिर्प, जो चींची करने की जो आवाज है उसमें सीटी बजती है, विस्परिंग, और विस्परिंग का मतलब वैसे होता है यहाँ काना फूसी, लेकिन यही है बोलना। सी लॉन्च अवे, और फिर वो वहां से सी लॉन्च अवे, लॉन्च अवे का मतलब होता है उड़ जाना, टू वर्ड्स द इनफाइनेट, इनफाइनेट फिर उस अनंत आकाश में, इनफाइनेट फिर अनंत आकाश में फिर वो उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम ट्री है, जो एक अमलतास का जो पेड़ है जिसको हम पॉइजनस ट्री के नाम से जानते हैं, वो दोबारा से कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। इट मीन्स द ट्री रिटर्न इन इट्स सेम कंडीशन एज द कंडीशन वाज देयर बिफोर द गोल्डफिंच अराइव। प्लीज लिसन इट केयर, आई होप यू हैव लिसन इट केयरफुल्ली एंड डू इट इन योर नोटबुक, इट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।